सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर दौरे पर हैं। सीएम ओमनाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर निकले तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता काफिले के सामने आ गया, काले कपड़े दिखाए और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। पुलिस ने हंगामा करने वाले छात्र नेता आशीष मुलायम को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद सीएम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी पहुंचे और सभा को संबोधित किया। जौनपुर में सीएम ने 258 करोड़ रुपए की 90 परियोजनाओं का शिलान्यास और 26 का लोकार्पण किया। इसके बाद उनका कार्यक्रम गाजीपुर में है। जौनपुर में सीएम योगी ने कहा कि विकास के लिए ईमानदारी से काम किया जा रहा है, भ्रष्टाचार पिछली सरकार के चिन्ह में था, खुद के फायदे के लिए गुंडों गुर्गों को बढ़ावा देते थे। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश है। हमने तय किया है कि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी संपत्ति कुर्क कर गरीबों के विकास में लाया जाएगा। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में विकास के नाम पर लोगों से छलावा होता था, आज यूपी में अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। आज 258 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि से जुड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।